फ्रेंड्स, इस भी रूम बात करने वाला, आपके भी फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। तो आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है और सैमसंग के किसी भी डिवाइस में आप अपडेट कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सैमसंग फ़ोन का आपको सेटिंग को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का ऑप्शंस दिखेगा, तो आपको नीचे की तरफ सबसे जाना है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर अबाउट फ़ोन पे जाना है और यहाँ पे सिस्टम अपडेट इंफॉर्मेशन पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपको इस तरीके का ऑप्शंस दिखेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो वो वाला सेटिंग नहीं है, तो रेगुलेशन इस पे भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको इस तरीके का ऑप्शंस दिखेगा, तो आपको यहाँ पे ये सब ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस पे क्लिक करें, एक्सेसिबिलिटी पे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको इसमें भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो हमें किस में जाना था, एक्चुअल में मैं भूल चुका हूँ फ्रेंड्स, यहीं कहीं जाना था। हाँ, तो आपको जनरल मैनेजमेंट पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो कि ये वाला ऑप्शन दिखेगा, नेविगेशन, टाइम आउट, रीसेट ऑप्शंस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क वाला ऑप्शंस पे क्लिक करें और यहाँ पे रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर दें। इससे क्या होगा कि आपका नेटवर्क रीसेट हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वाईफाई कनेक्टेड है, ये भी डिसकनेक्ट हो जाएगा जैसे हम इसको रीसेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं वाईफाई डिसकनेक्ट हो गया है। इसी प्रकार से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में आप इसको नेटवर्क प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।